ये देखिए कितने यम्मी और टेस्टी मैंने पोटैटो एग फिंगर्स बनाए हैं, जो बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही क्रिस्पी भी बने हैं। देखिए आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही यम्मी लगते हैं और बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। चलिए बनाते हैं पोटैटो और एग के फिंगर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू और अंडा के फिंगर्स की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, 2 उबले हुए अंडे लिए हैं। सबसे पहले हम इनको ग्रेट करके रेडी रख लेंगे। आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे और मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं। 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1 चम्मच मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, आप टेस्ट के अनुसार इसको आप डाल सकते हैं टेस्ट ज्यादा करने के लिए, और मैंने 1 चम्मच ओरिगानो लिया है। सबसे पहले आलू और अंडा को ग्रेट करके रेडी रख लेंगे। आलू को ग्रेट कर लेंगे। सब ग्रेट करके रेडी रख लेंगे। ये हमारे अंडे और आलू ग्रेट हो गए हैं और अभी इसमें हम जो हमने मसाले लिए थे वो ऐड कर देंगे, चिली फ्लेक्स, ओरिगानो और ब्लैक पेपर पाउडर। और अभी हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स, ये मैंने घर पे बनाए हैं, ब्रेड को लेके इसको मैंने पीस लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अभी हम इसमें 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे, जिससे इसका अच्छे से टाइट डो बन जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, और नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, इसमें नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका टाइट डो बना लेंगे। अगर कम ज्यादा लगे तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आलू का मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। यह हमारा डो बन के तैयार हो गया है, अब इसके फिंगर्स बनाएंगे। अभी थोड़ा सा डो ले लेंगे और इसको इस तरीके से पतला फिंगर्स का शेप दे देंगे। फिंगर्स बना लेंगे, सारे डो के इसी तरीके से फिंगर्स बना के रेडी रख लेंगे। तो हमारे सारे फिंगर्स बन के तैयार हो गए हैं। तो मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं और ये 2 अंडे लिए हैं, इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड करके इसको बीट करके रेडी रख लेंगे पहले। और मैंने ये पैन में तेल भी गर्म करने रख दिया है। ये अंडा बीट करके तैयार हो गया है, इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दिया है मैंने और बीट कर लिया है। अभी एक एक फिंगर लेके इसमें डिप करेंगे। और इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। जैसे ब्रेड क्रम्स से कोट हो गया है और अभी इसको डीप फ्राई कर लेंगे, सारे इसी तरीके से कर लेंगे। देखिए हमारे सारे फिंगर्स अंडा और ब्रेड क्रम्स में रोल होके हमने रेडी रख लिए हैं, अभी फ्राई करेंगे इसको। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, मीडियम आंच रखना है हमको। देखिए फिंगर्स अभी इसमें डालते जाएंगे।
गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे फिंगर्स होते हैं, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। क्रिस्पी भी हो गए हैं। इसी तरीके से सारे के सारे फिंगर्स फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे सारे फिंगर्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको सर्व करेंगे। इसके लिए हम एक डिप बनाएंगे। डिप बनाने के लिए मैंने ये टोमेटो चिल्ली सॉस लिया है। आप सादा टोमेटो केचप भी ले सकते हैं। और 1 से 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे। और मैंने मेयोनेज लिया है 2 चम्मच, ये भी ऐड कर देंगे इसमें। मेयोनेज मैंने डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा मेयोनेज और सॉस का डिप बनकर तैयार हो गया है। अब इसको सर्व कर लेंगे। देखिए हमारे कितने क्रिस्पी एग और पोटैटो के फिंगर्स बन गए हैं। और हमारा डिप भी तैयार है। और बस अभी इसको गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी भी है और बहुत मुँह में पानी आ रहा है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपके पोटैटो और एग के फिंगर्स कैसे बने हैं। बहुत ही यम्मी और बहुत ही जल्दी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। पोटैटो और एग के फिंगर्स की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन भी दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।